साहिबगंज जिले के डायलिसिस मरीजों को डायलिसिस करवाने के लिए अब दूर शहर या प्राइवेट अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। डायलिसिस मरीजों को अब सारी सुविधा साहिबगंज के सदर अस्पताल में उपलब्ध हो सकेगी। साहिबगंज सदर अस्पताल परिसर में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन राजमहल विधायक अनंत ओझा, उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किशपोट्टा, सिविल सर्जन रामदेव पासवान ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इसके बाद डायलिसिस सेंटर का सभी पदाधिकारियों ने जायजा लेते हुए डायलिसिस से संबंधित जानकारी प्राप्त की। इसके बाद उद्घाटन में उपस्थित विधायक, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पदाधिकारियों को सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर मोहन पासवान सहित अन्य डॉक्टरों ने फूल गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इसके बाद राजमहल विधायक अनंत ओझा ने अपने संबोधन में कहा कि सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर होने से अब जिलेवासियों को डायलिसिस कराने के लिए बाहर शहर प्राइवेट अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। डायलिसिस सेंटर होने से मरीजों के लिए संजीवनी का काम करेगा। वह सिविल सर्जन रामदेव पासवान ने बताया कि काफ़ी दिनों से यह प्रयास रही थी कि सदर अस्पताल में जल्द से जल्द डायलिसिस सेंटर खोला जाए। शुभ नाम? अभिमन्यु मिश्रा। डायलिसिस में सर क्या क्या पेशेंट को सुविधा दिया जाएगा? देखिए, डायलिसिस तो बेसिकली आपको पता होगा वैसे पेशेंट का होता है किडनी काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट सजेस्ट करेंगे इनका डायलिसिस होना है, तो वैसे पेशेंट के यहाँ पर डायलिसिस होगा। दूसरा क्या है कि एक बेनिफिट क्या है, ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, ये प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम का प्रोजेक्ट है। ये ऑल ओवर इंडिया में हर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये इस तरह का सेंटर ऑपरेट किया जा रहा है। झारखंड में हमारी कंपनी संस्था है SK संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड, इसको ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है। ये हमारा 13वां डायलिसिस यूनिट है साहेबगंज जिला सदर अस्पताल में। यहाँ पर मोस्टली पेशेंट का डायलिसिस फ्री होगा, जिनके पास में BPL कार्ड है अर्थात राशन कार्ड वाला हो गया, जिनके पास में आपका 72,000 से कम का लोअर इनकम सर्टिफिकेट है उनका फ्री होगा, और जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनका डायलिसिस फ्री होगा। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट आते हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, उनको 1206 रुपया जो एज़ पर द गवर्नमेंट MOU है वो अमाउंट पे करना होगा। बाकी जो कि बाहर में एक डायलिसिस का 3 से 4 हज़ार रुपया लग जाता है, यहाँ पर 1206 रुपया लगेगा और सबों का मोस्टली फ्री होगा, पेमेंट गवर्नमेंट करेगी। तो सारी फैसिलिटी मिलेगी प्राइवेट हॉस्पिटल की, मैनेजमेंट हमारी कंपनी भी करेगी और अस्पताल के अंदर सुपरविजन में भी रहेगा, तो फैसिलिटी बढ़िया मिलने वाला है और गरीब रोगियों का फ्री में डायलिसिस भी होगा। आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आने वाले 4 से 5 दिनों में सर्विसेज स्टार्ट हो जाएगा, ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, डायलिसिस टेक्नीशियन यहाँ पर जो डायलिसिस करते हैं वो कोई डॉक्टर या कोई नर्सिंग स्टाफ या कंपाउंडर डायलिसिस नहीं कर पाएगा। जो डायलिसिस ट्रेंड टेक्नीशियन है, जिनके पास सर्टिफिकेट है, जो ट्रेंड है, वही यहाँ पर डायलिसिस टेक्नीशियन काम कर पाएंगे। यहाँ पर 2 मशीन है, हमारे यहाँ पे 2 टेक्नीशियन रहेंगे, 24x7 का सर्विसेज है। स्टार्टिंग में एज पर रिक्वायरमेंट सर्विस दिया जाएगा, 2 टेक्नीशियन रहेंगे वो डायलिसिस करेंगे, इसके अलावा एक अटेंडेंट रहेंगी लेडी, इसके अलावा एक हमारे मेडिकल ऑफिसर, बाकी सेंटर मैनेजर और एज पर रिक्वायरमेंट स्टाफ रहेंगे। डायलिसिस के दरमियान अगर कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है तो उस स्थिति में क्या? उस स्थिति में, क्योंकि ये जो सेंटर हमारा चल रहा है ये अस्पताल कैंपस के अंदर का, इसका मीनिंग यही है कि अगर कोई भी इमरजेंसी होता है तो हॉस्पिटल हमारा टेक ओवर कर लेगा, हॉस्पिटल सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये सेंटर हमारा बाहर भी चल सकता है ना, अस्पताल के अंदर चल रहा है, इसके मतलब अस्पताल की भी जिम्मेवारी है ये सेंटर सही तरीके से चले, और मोस्टली अस्पताल के अंदर ही हम लोग हैं। एक सिर्फ पार्ट है ये डायलिसिस, जैसे आपका अदर डिपार्टमेंट होता है वैसे ये भी एक डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट काफ़ी कॉस्टली होता है, तो प्राइवेट जो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है इसलिए प्राइवेट एजेंसी को ये टेक ओवर करता है। तो एक डायलिजर से कुल कितने पेशेंट का डायलिसिस किया जाएगा? एक डायलिजर से एक पेशेंट का होगा, दूसरे हर पेशेंट का डायलिजर का नाम लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक पेशेंट है, उसका नाम लिखा जी इस पेशेंट का डायलिसिस हो गया, आज डायलिसिस हुआ, 3 दिन फिर से डायलिसिस होगा, फिर से उसी डायलिजर से डायलिसिस होगा, यानी कि एक डायलिजर से एक पेशेंट का होगा। वो एज पर रीयूज जो होता है ना वो 10 टाइम्स रीयूज होता है, इसके अलावा सिर्फ डायलिसिस रीयूज होता है, बाकी चीज़ वन टाइम रीयूज। एक समय में कितने कुल पेशेंट का डायलिसिस? एक समय आपका 2 मशीन है तो एक बार में आपका 2 पेशेंट का होगा, दिन भर में आपका 2, 2, 4, 2, 6 पेशेंट का होगा, यानी हमारे पास अगर 12 से 15 पेशेंट हो जाता है तो मशीन हमारा बढ़ जाएगा। क्या 24 घंटा सुविधा है ये? बिल्कुल, एज पर रिक्वायर्ड। और इसमें किस प्रकार की सावधानी होनी चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से यह एक सुखद अवसर है, और चूँकि यहाँ के लोगों को भागलपुर या मालदा जाना पड़ता था या निजी चिकित्सा केंद्र में जाना पड़ता था, तो यह एक अच्छा प्रयास है, इसीलिए मैंने आग्रह किया। इसके लिए जिला प्रशासन और यहाँ के हमारे अस्पताल प्रशासन, सिविल सर्जन सभी को साधुवाद है। और यह इस केंद्र के प्रारंभ होने से जो सामान्य इससे प्रभावित पीड़ित जो परिवार है उनके जीवन में निश्चित रूप से एक संजीवनी का काम करेगा, और इस यही विश्वास के साथ कि मैंने प्रबंधन को भी आग्रह किया है कि लोगों के
सुविधा देने में किसी प्रकार का कोताही ना हो और यह उपयोगी साबित हो। इस प्रकार से पूर्व में ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए जो संस्था काम कर रही थी वो सामान्य लोगों के जीवन में उसके बदलाव आया, तो निश्चित रूप से डायलिसिस, किडनी डायलिसिस के माध्यम से यह एक उपयोगी साबित होगा। क्या है निःशुल्क, कैसे हो? निःशुल्क इसमें है कि जो भी जिनका आयुष्मान कार्ड या जिनका आमदनी 72,000 से कम है एनुअली, साथ साथ जिनके पास लाल राशन कार्ड उससे संबंधित जो भी लाभुक होंगे वो निःशुल्क देंगे और किसी भी तरह का शुल्क उनको देंगे। यहाँ पे डायलिसिस कराने के लिए क्या क्या शर्तें होंगी सर? किस प्रकार के लोगों को डायलिसिस किया जाएगा, क्या ज़रूरी है उसके लिए? डायलिसिस के लिए हमारे पास तो अभी कोई ऐसा शर्त नहीं है, लेकिन किसी नेफ्रोलॉजिस्ट से उनका रिकमेंडेशन होना चाहिए कि वीक में कितने बार होना है नहीं होना है। साथ साथ अभी हमारे पास फिशुला जो उसके लिए चाहिए वो अभी हम लोग को बनाने का कोई साधन नहीं है, तो लोग वहाँ से करा के लेंगे। और डायलिसिस जैसे आप लोग जानते हैं कि सप्ताह में 2-3 बार आके लोग यहाँ पर करा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। सर कितने बेड लगाए गए हैं डायलिसिस के लिए? अभी तत्काल तो 2 बेड है, लेकिन ये शेंसन है 5 बेड। और सर एक डायलाइजर से कितने पेशेंट का डायलिसिस किया जाएगा? देखिए एक पेशेंट में करीब करीब उसमें जो 4 घंटा लगते हैं, उसके बाद जितने हो सकते हैं। सर एक डायलाइजर से कितने पेशेंट का? एक टाइम में एक पेशेंट होगा उसमें 4 घंटे लगते हैं। कितने टेक्निकल सर यहाँ पर आते हैं? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।